कर साहब को बारंबार नमस्कार। मेरा अभिवादन। जल सरोकार मंच आपको फिर अपने साथ साझा करने को निमंत्रण दे रहा है, क्योंकि बौद्धिक चिंतन और उसके व्यवहारिक पक्ष जितनी खूबसूरती से आप साझा करते हैं वो बहुत कम देखने सुनने को मिलता है। तो गैर साहब, बात यह है कि चुनाव नजदीक है, अपने यहां डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, और प्रश्न ये है आज के सवाल में कि प्रजातंत्र मजबूत ट्रांसपेरेंट बना रहे इसके लिए क्या हमारा मतदाता का विवेकशील होना आवश्यक नहीं है? तो आपसे आज मेरी गुजारिश है, हमारे अपने इस मंच से अपने श्रोताओं के लिए, कृपया आप इस बात पर अपनी राय दें, अपनी बात कहें कि अगर मतदाता ही विवेकशील नहीं होगा, वो मतदान के दौरान जनप्रतिनिधि के चुनाव में वो विवेकशील नहीं रहेगा, तो क्या प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को एक मजबूत और पारदर्शी रूप में स्थापित किया जा सकेगा? वरना जो मतदाता है अक्सर वो सामने यही आता है कि वो कहता है मैं तो ठगा गया, तो उसका ये ठगा जाना भी प्रश्न जगाता है चिंतकों और विचारों के सामने। तो आपसे आज आग्रह है इस पर अपनी बात कहें प्लीज। जी आज सक्सेना साहब और डॉक्टर मनु शर्मा जी और देवेंद्र जोशी, तीनों का मैं अभिवादन करता हूँ, और आपकी जर्रा नवाजी के लिए शुक्रगुजार हूँ। आपने जो है प्रश्न, बहुत समीचीन प्रश्न है ये हमारे सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने बड़ा भारी चैलेंज है। तो मतदाता का विवेकशील होना तो इसलिए भी अनिवार्य है कि लोकतंत्र तो मतदाता का ही शासन है, जनता का ही शासन है, जनता के लिए और जनता के द्वारा। अब राजतंत्र अगर होता तो उसकी तो रक्षा और उसका जो संवर्धन है वो तो राजा, उसके मंत्री, उसकी सेना, उसकी पुलिस कर्मचारी वो करते। लेकिन लोकतंत्र है ये तो जनता का शासन है। यहाँ हम किसी दूसरे से उम्मीद करें कि वो आकर के लोकतंत्र की रक्षा करे तो वो तो संभव है नहीं। तो मतदाता का विवेकशील हुए बिना लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती। और कहावत भी है कि पीपुल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व, है ना, लोगों को वही राज्य शासन व्यवस्था मिलती है, सरकार मिलती है जिसके वे काबिल हैं, उससे अच्छी नहीं मिल सकती। और दूसरा ये भी है, दूसरी कहावत, एक कथन है कि द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी हायर देन द लेवल ऑफ पीपल, है ना। तो हमारी डेमोक्रेसी का जो लेवल है वो जनता के लेवल से ऊपर नहीं जा सकता, वहीं रहेगा जो जनता का लेवल है। अब अगर हम भारतीय मतदाता की बात करें, है ना, अन्य मतदाताओं को छोड़ दें दुनिया भर के, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो जो बैगेज हम लेके आए हैं अपने इतिहास से, परंपरा से, जो सामान हमारे कंधों पर, नहीं तो हमारे दिलो दिमाग पर है, हमारे संस्कृति पर है, विचारधाराओं पर है, हमारी व्यवस्थाओं पर है, वो जो हम परंपरा से लेके आए हैं, वो डेमोक्रेसी की परंपराएं तो थी नहीं, वो राजतंत्र की परंपराएं थी। अब इस इन चीज़ों का बड़ा असर रहता है। जैसे चीन है, तो चीन में
साम्राज्य की परंपरा रही है पिछले 4-5 हजार साल से। एक केंद्रीकृत साम्राज्य, एक सम्राट और उसका सहयोग करने वाला सारा देश। तो हमारे यहाँ भी खैर सम्राट भी रहे हैं, लेकिन कुल मिला के शासन हमारे ऊपर क्षत्रपों ने किया है, छोटे छोटे राजाओं ने किया है जो उस सम्राट के प्रति जवाबदेह थे। किया शासन छोटे राजाओं ने है, सम्राट को कोई नहीं जानता था कि अशोक के जमाने में कोई आके पूछे या चंद्रगुप्त के या अकबर के जमाने में कि भाई सम्राट कौन है, तो आम आदमी को पता नहीं था। उसको यही पता था कि हमारा जागीरदार या हमारा राजा कौन है। तो हम एक सामंतवादी परंपरा को, सोच विचार को लेकर के आए हैं इतिहास से, तो उससे मुक्त होना धीरे धीरे ही संभव है, कठिन है। तो एक तो ये कि भाई हम हमारा क्या बैगेज लेके आए हैं इतिहास से, ये देखना पड़ेगा हमको, तभी हम ये सोचेंगे कि इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तो एक तो ये है कि हमें स्वीकार करना चाहिए ईमानदारी से, उसमें कोई राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं है, उसमें कोई स्वाभिमान की बात नहीं है, जैसा भी बैगेज है वो स्वीकार करना चाहिए। तो एक तो यह है कि हम व्यक्ति पूजक लोग हैं, है ना। तो जहाँ व्यक्ति पूजक होते हैं वहाँ कानून या नियम कायदे उतने शक्तिशाली नहीं होते, वहाँ पर व्यक्ति जो है वो शक्तिशाली होता है ना। और यही कारण है कि आप देखिए कि अच्छा धर्म में भी क्या है कि हमारे को इष्ट देव होता है, उस इष्ट देव को हम प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं अपनी प्रार्थनाओं से, पूजा से, और ये सोचते हैं कि इष्ट देव अगर प्रसन्न हो गया तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। यहाँ तक कि जो चोर डाकुओं के वो भी पूजा करते हैं, अपराधी भी पूजा करते हैं, तो डाकू लोग भी पूजा करते हैं, वो सोचते हैं कि इष्ट देव हमको डाका डालने में सहयोग दे देगा, हम पकड़ में नहीं आएंगे। तो हमारे यहाँ ये रहा है कि इष्ट देव ही धर्म में तो ये रहा है। और अब हम समाज में देखते हैं कि भले ही हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कब की आ गई है, औपचारिक रूप से आ गई है कि भाई हमारे चुनाव भी होते हैं, लोकसभा राज्यसभा भी है, विधानसभा भी है, हमारे मंत्रिमंडल भी हैं, सब कुछ है, वो बाहरी कलेवर सारा है, लेकिन क्या हम ये नहीं देखते कि कोई मामूली सा नेता भी कहीं गुजर रहा हो सड़क पर तो हमारे हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है मालाएं ले ले करके, और हम मंच बना करके उस नेता को मालाओं से लाद देते हैं, नोटों से लाद देते हैं। आजकल तो नोटों की मालाएं ज़्यादा पहनाई जाने लगी है, और अभिनंदन पत्र पढ़ते हैं और कई बार सिक्कों से तोलते हैं वजन को, और ऐसा ऐसा कई प्रकार का काम करते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई सम्राट आ गया है, जबकि मालूम पड़ता है कि वो सम्राट नहीं है, वो तो कोई विधायक है या कोई मंत्री होगा या कुछ है, तो वो हमारा प्रतिनिधि है और हम उसको इस रूप में लेते हैं कि वो प्रतिनिधि क्या है, वो हमारा शासक है। तो भले ही वोट देने का अधिकार है, लेकिन कुल मिलाकर के हम सम्राट को चुनते हैं, राजा को चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि को नहीं चुनते, हम उसको प्रतिनिधि मानते ही नहीं। और इसका परिणाम भी ये है, एक एक शहर ने तो कहा है कि आओ नोटों से अब उसका सिजदा करें, फूल लाया था कल तो खपा हो गए। मंत्री जी के लिए कि आओ नोटों से अब उसका सिजदा करें, फूल लाया था कल तो खपा हो गए। तो फूल से मंत्री खपा होने लगे हैं, अब सिजदा करना है तो नोटों की माला से करो। तो ये स्थितियां हमारे यहाँ आई हुई है, कोई आज की नहीं है, बहुत दिनों से ये चल रहा है। और परिणाम ये है कि शासक, या शासक का मतलब विधायक मान लो या एमपी मान लो, जो भी है,
तो उसकी कृपा के बिना हमारे न तो अस्पताल में बिस्तर मिलेगा सरकारी अस्पताल में, न हमारी कोई एप्लीकेशन किसी दफ्तर में आगे बढ़ेगी बिना उसकी सिफारिश के, न हमको कोई न्याय मिल पाएगा। क्योंकि जब तक राजा का टेलीफोन नहीं आएगा तब तक मतलब हमारा ट्रांसफर भी अगर कराना हमको है तो राजा के पास ही जाना पड़ेगा। कोई विभागाध्यक्ष है नहीं कि जो हमारी बात को सुने और ट्रांसफर करे, तो कोई नियुक्तियां है तो नियुक्तियां भी ऐसे ही है। तो ये सब चीजें हम जानते भी हैं कि हमको इसका बुरा फल मिल रहा है, उसके बावजूद भी हम व्यक्ति पूजक बने हुए हैं और हम नागरिक नहीं हैं, इसलिए हम प्रजा हैं, जनता नहीं है, प्रजा हैं, रियाया हैं। और अब देखिए आप कि डेमोक्रेसी को जो सबसे बड़ा खतरा ग्रीक जमाने से, प्लेटो से भी पहले से, एरिस्टोटल से बहुत पहले से ये माना जाता रहा है उन दिनों में वहां पर, कि डेमागोग जो होता है उससे डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है। डेमागोग से मतलब ये है कि जो भावात्मक भाषण दे करके लोगों में उन्माद पैदा कर दे और लोगों का विवेक खत्म कर दे, उनमें भविष्य के प्रति ऐसे सपने जगा दे कि जो असंभव हैं, या कोई ऐसा अतीत का गौरवगान कर दे कि भाई हम तो उस अतीत में उस महानता की तरफ फिर लौटना चाहते हैं लेकिन हमें लौटने नहीं दे रहे ये जो दुश्मन है, विपक्षी हैं। इस तरह की अगर कोई भावना पैदा करता है जनता के विवेक को अपील न करके और उसको भावुक बना करके और अपना काम निकालता है तो वो डेमागोग कहलाता है। और पुराने यूनान में तो ये व्यवस्था थी कि राज्य में कोई भी व्यक्ति अगर इतना पूजनीय हो जाता कि लोग उसकी मतलब आराधना करते कि ये महामानव है, तो उस महामानव को राज्य से निकाल दिया जाता था 5 वर्ष या 10 वर्ष के लिए। जिसको देश निकाला उसको कहते थे ऑस्ट्रेसिज्म, कि उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, उसको मतलब लोगों की निगाहों से दूर कर दिया। क्योंकि चाहे वो कितना ही महान हो, ऐसी महानता भी लोकतंत्र के लिए खतरा है जिसमें लोग पूजा करने लगे, उसको अवतार मानने लगे, उसको हृदय सम्राट मानने लगे। तो एक बड़ा खतरा डेमोक्रेसी को ये है। तो भारत के लोगों को विशेष ये ध्यान रखना चाहिए कि हम तो परंपरा से धर्म और सारी वो व्यक्ति पूजकता की लेके आए हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। दूसरा जो बड़ा खतरा है वो इस कारण से भी है कि हमको डेमोक्रेसी बहुत लंबे शताब्दियों के संघर्षों के बाद नहीं मिली, हमको ये आसानी से मिल गई। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में सबसे पहले और फिर ब्रिटिश राज आया, तो उनके जमाने में ही संविधान की जो अभी जो हमारी बहुत सारी सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, वो सारे कानून कायदे जो इंग्लैंड में प्रचलित थे और सारे यूरोप में प्रचलित थे, वो सारे कानून कायदे हमारे यहाँ भी लागू उन्होंने कर दिए और अदालतें खोल दी। तो इसलिए वो तो सब था ही, लेकिन ये जो संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में ही लोकतंत्र आ गया था, धारा सभाएं बन गई थी, चुनाव भी, उनके वोटर दूसरे थे, वो आम जनता नहीं थी लेकिन चुनाव होते थे, और सारा ये पार्टियां भी थी, ये जो मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है, ये स्वराज पार्टी है, ये पार्टियां भी थी। तो ये सब कुछ हमें फिर जब अंग्रेज गए तो प्लेट में रखा हुआ मिल गया, तो हमें संघर्ष नहीं करना पड़ा। इसलिए हम डेमोक्रेसी की कीमत को जानते नहीं, हम समझते हैं कि अरे चुनाव कर लिया, वोट दे दिया, ये डेमोक्रेसी हो गई और इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो इससे भी हमको बचना चाहिए, तो हमको ये मानना चाहिए कि डेमोक्रेसी दुर्लभ चीज है जिसकी रक्षा हिफाजत बहुत कठिन काम है और वो जनता को ही करना है और दूसरा करने नहीं आएगा। तीसरा जो बैगेज हम लेके आए हैं वो है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स,
नहीं कि आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिक्स। हम जो वोट देते हैं वो व्यक्ति को, भाई ये, अरे ये ममता जी की पार्टी है, ये मायावती की पार्टी है, तो और ये जो है अखिलेश की पार्टी है, ये मोदी की पार्टी है, ये राहुल, ये सोनिया गांधी की पार्टी है, खड़गे जी की पार्टी है, ये सोच के वोट देते हैं। हम मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं, उनकी आइडियोलॉजी में जाते नहीं, उसके बारे में बात करते नहीं। तो ये जो आइडेंटिटी वाली बात है, इसमें जाति व्यवस्था भी आ जाती है कि ये गुजर है तो हाँ भाई गुजर, तो गुजर को तो वोट देना ही है, मीना है, जाट है, ब्राह्मण है, तो जाति देख करके ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ। तीसरी, हम जो लेके आए हैं इतिहास से, वो है कि भाई जब भी कभी हमारे ऊपर संकट आएगा या हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, तो कोई दिव्य शक्ति अवतार पैदा होगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो एक ये हम सोचते रहते हैं कि यार बिगड़ने दो, जो बिगड़ रहा है, ज्यादा बिगड़ेगा तो दिव्य शक्ति कोई ना कोई तो आएगी ही, उसके उसके कर्मों का फल तो उसको मिलेगा ही, पापों का घड़ा है तो भरने दो। तो उससे गैर जिम्मेदारी हमारे अंदर है। तो ये, और एक चीज और है कि हमारा जो हमेशा से, चाहे संस्कृति है, धर्म है, या हमारा समाज है, जो भी है, वो हायरार्की, ऊपर से नीचे तक अलग अलग वर्ग हैं या वर्ण हैं, कोई सर्वश्रेष्ठ वर्ण है, फिर उससे कमजोर किसी, फिर उससे नीचा, और फिर सबसे नीचा, है ना, वर्ण व्यवस्था जो हम लेके आए हैं। और जो सबसे नीचा है उस पर तो अभी आपने देखा कि मोहन भागवत जी ने भी कहा कि 2000 साल से पशु की तरह वो जीवन उन्होंने जिया है और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब उन्होंने किसी भी मजबूरी में ये बातें कही हो, वो उस पे हम नहीं जाते, चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तो कहना ही पड़ेगा कि हम एक हायरार्की वाला समाज लेके आए हैं, जिसमें असमानता उसके अंदर बुनी हुई है, गुथी हुई है। ये सारी जो हमारी समस्याएं हैं, इनसे निजात हमको पाना चाहिए, अन्यथा क्या है कि देखिए, ये वर्तमान की स्थिति तो सबके सामने है ही कि लोकतंत्र जिन स्तंभों पे खड़ा है, वो स्तंभ भी काफी धराशायी से हो गए, है ना, जो भवन है वो लुढ़क गया है अपनी जगह से, चाहे विधायिका हो, जैसे मान लीजिए लोकसभा है, तो लोकसभा में कोई अच्छा डिस्कशन होता हो, मैंने तो कभी सुना नहीं, नारेबाजी, लड़ाई झगड़ा, माइक फेंकना वगैरह, ये शोरगुल, और फिर कोई वहां किसी चीज की व्याख्या करने का कोई मतलब ही नहीं है। पार्टियां अंधी हो करके पहले से ही जानते हैं कि इसके मान लो 304 हैं तो 304 वोट तो ये हैं, ये नहीं कि वो डिस्कशन से किसी का मन पलटे और कोई अलग बात सामने आए। तो ये हमारी जो विधायिका है, अब वो किसी, मतलब किसी सम्राट के पीछे हो जाती है या किसी के भी पीछे, व्यक्ति के पीछे, तो ये एक समस्या है। कार्यपालिका जैसे मंत्रिमंडल है, तो कैबिनेट, अब कैबिनेट में 50 और 60 के दशक में तो नेहरू जी इतने महान प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके कैबिनेट के सदस्य वहीं पे मीटिंग में खुलेआम उनकी आलोचना करके अब खंडन करते थे, और वो नेहरू जी खुश होते थे और वो और डिस्कशन चलता था, तो वो बात थी। तो वो लोकसभा का जो काम है, विधायिका का, विधि निर्माण का काम है, वो डिस्कशन के बाद होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है लोकसभा। तो एक हंसेगा तो सब हंसेंगे, एक किसी व्यक्ति की मजाक उड़ाएगा तो सारे मजाक उड़ाएंगे, तो ये हो रहा है लोकसभा में। तो इसको हम लोकसभा कहें या क्या कहें, उसी तरह से जुडिशियरी जो खंभा है, स्तंभ है, वो कम से कम नीचे वाली जो जुडिशियरी जिला स्तर की और कभी कभी हाई कोर्ट स्तर की भी, तो वो भी काफी, मतलब कुछ उसको भी संघर्ष करना पड़ रहा है, ये समझिए। तो ये सारे हैं। और जो जैसे मीडिया, ये भी एक बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र का, चौथा स्तंभ है, तो इसके बारे में तो अगर न कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम इसके बारे में कहने से कोई फायदा नहीं बिल्कुल भी।
क्योंकि हमारे जो चारण भाटों की परंपरा भी इतिहास में रही है, राजा का स्तुति गान करते थे वो। मैंने कहा ना कि राजतंत्र को हम लेकर के आए हैं अपने दिलो दिमाग में, तो जो चारण थे भाट थे वो क्या थे कि वो दोहा बोल देते थे, राजा जी मस्त हो जाते थे, है ना। और वो गाथाओं में इतिहास लिख दिया जाता था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, था ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। तो जैसे सुल्तान खुद ही बैठ गया गोरी आकर के तीर खाने के लिए, ये तबे हुकू तो नहीं था। और भाई वो गज बता रहा है, दिशा बता रहा है, जैसे खुलेआम 2 सम्राटों में वो हो रहा है। तो ये जो गाथाएं हैं कथाएं हैं जो आदमी अपने ठीक है अपने गिरे हुए आत्मसम्मान को थोड़ा बहुत सपोर्ट देने के लिए ये समाज बना लेता है इस तरह की कथाएं। तो ये जो चारण भाट परंपरा है ये भी हम लेकर के आए हैं। और वैसे तो ये अन्य देशों में भी थोड़ी बहुत राजतंत्र में चलती थी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे भी होते थे जो खतरा मोल लेके बोल देते थे। तो हमारे यहाँ ऐसे कोई कम लोग, ऐसा कोई इतिहास में आता नहीं है। तो ये जो अब मीडिया भी जो गलत सूचनाएं देता है मान लो, और पढ़ने की हमको हैबिट है नहीं, पढ़ने लिखने की पूरे देश में ही पिछले जो कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं वो जानते हैं कि पिछले 25-30 साल से कॉलेज में क्लासें नहीं होती, छात्र नहीं आते, क्लासें खाली पड़ी हैं। हालांकि नए नए कॉलेज खोल रही है सरकार, अब वो सरकार की सरकार जाने, जनता सोई रहेगी तो ऐसे ही कॉलेज खुलते रहेंगे, लेकिन कॉलेज खुल रहे हैं क्लासों में एक छात्र भी नहीं है। यूनियन इलेक्शन जिस दिन होता है उस दिन छात्र आ जाते हैं, चुनाव हो जाता है, ये चले जाते हैं या परीक्षा देने आते हैं। तो एक पिछले 30 साल में जो एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जिसके हाथों में ही देश का बागडोर है, आजकल जवान वही हैं, तो उनमें न तो कोई ज्ञान है, न अध्ययन है, न कोई समझ है, और जो कुछ उन्होंने पासबुक्स में पढ़ा है वही वो समझते हैं, या फिर वो व्हाट्सएप से, सबसे बड़ा ज्ञान का साधन आजकल व्हाट्सएप हो गया है, 4-5 लाइनें पढ़ी और व्हाट्सएप पढ़ने वाला जो अनपढ़ है वो अपनी छाती ठोकने लगता है कि मैं जो है आइंस्टाइन को भी गलत साबित कर देगा। वो कह देगा तो आप आइंस्टाइन जी आपको फिजिक्स नहीं आती, फिजिक्स तो हमारे शास्त्रों में लिखी है और वो ये है, वो कह देगा। तो ये जो हो गया है व्हाट्सएप, तो ये इसलिए हो गया है कि रीडिंग हैबिट्स हमारी ख़त्म हो गई है। इन सब समस्याओं को लेने से सामने हम विचार करते हैं तो हमारा जो लोकतंत्र है वो हमको घायल क्षत विक्षत पड़ा हुआ जमीन पर धराशायी सा दिखाई देता है। बहुत सामान्य सी बात मैं आपके साथ रखना चाह रहा हूँ जी, कि लोकतंत्र की जो आज वर्तमान में हम दशा महसूस कर रहे हैं वो तो अपनी जगह ठीक है। अब उसमें भी अलग अलग राय मतांतर हो सकते हैं, कोई उसको बिल्कुल ठीक मान सकता है, कोई गलत भी मान सकता है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी से काम लिया जाए तो जो आपने कहा वही स्थिति है कि वो लघु निगान सत्विश्चित पड़ा हुआ है। लेकिन आज जो हमारी अपनी, जिसे कहना चाहिए कि हमारी अपनी प्रतिबद्धताएं भी तो हैं, अगर हम सोचने का दम भरते हैं या कोई बात कहने के लिए थोड़ा खतरा भी उठा लेते हैं थोड़ा सा, तो ऐसी स्थिति में हम क्या योगदान दे सकते हैं अपने मतदाता को? प्रारंभ की स्थिति से ही शुरू कर लें अगर, तो एलिमेंट्री स्थिति ही क्या बन सकती है उस पर मैं। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है। लोकतंत्र में हमको जनता को ये सावधान करना पड़ेगा कि भाई जो आप लगातार
सुनते रहते हो टीवी पे या नेताओं के भाषण में, उसमें नीर क्षीर विवेक अपना काम में लो कि उनकी बातों में कितना कितनी सार्थकता है और कितनी बातें बेकार हैं। तो उन्हीं बातों पर आप ध्यान दीजिए जो आपके लिए सार्थक हैं, मीनिंगफुल हैं। क्योंकि जो सत्य है, आजकल जो सत्य है, पोस्ट ट्रूथ का जमाना है, और हालांकि नारा है कि सत्यमेव जयते, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। सत्य तो वही है जो लोगों के दिलो दिमाग में जम गया है, बैठ गया है, वो सत्य है, और उसके लिए वो मरने मिटने को तैयार भी हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई निरक्षीर विवेक, सही गलत का जो विवेक है, उसको उस तक हम कैसे पहुंचे, उसमें बड़ी समस्याएं हैं। कि हम लोग जो मनुष्य जाति सारी ही, समझिए कि हम जो है बहुत सी कथाएं, गाथाएं, किस्से, कहानियां, लोक कथाएं, माइथोलॉजी, लेजेंड्स, परंपराएं, रीति रिवाज, सुनी सुनाई बातें, किंवदंतियां, इन सब के समुद्र में, इन सब का समुद्र भरा पड़ा है, उसमें हम मछलियां हैं, तो हम उसमें रहते हैं। हम विवेक से कम संचालित होते हैं और गाथाओं कथाओं से ज्यादा संचालित होते हैं। और वैसे भी इमोशन जो शब्द है, मोशन जो आपको मूव करे, जो आप में गति पैदा करे काम करने की, वो इमोशन है, न कि विवेक, न कि विजडम। विजडम तो जांच परख करने की चीज है, कार्यशील करने के लिए, कार्योन्मुख बनाने के लिए तो इमोशन होती है। तो ये बड़ी समस्या है कि सत्य को इमोशन के द्वारा ढक लिया जाता है, इमोशन पैदा करके, और सत्य को गौण कर दिया जाता है, तिरस्कृत कर दिया जाता है। तो जैसे भाई एक आदमी जैसे कोई बात कहता है, उस पर 1,000 आदमी विश्वास करते हैं और महीने 15 दिन तक विश्वास करते हैं, फिर उसका खंडन हो जाता है। तो उसको तो हम कहेंगे साहब ये तो फेक ट्रूथ था, अर्ध सत्य था, या ये सत्य था ही नहीं, असत्य था, यानी फेक ट्रूथ कहते हैं हम उसको। और अगर लाखों करोड़ों लोग 1,000 वर्षों तक किसी चीज को मानते रहें, बात वही है, वहां 1,000 आदमी मान रहे थे और 1 महीने के लिए मान रहे थे, फिर खंडन हो गया। और यहाँ क्या है, करोड़ों लोग मान रहे हैं और 1,000 सालों से मान रहे हैं, तो उसको फेक ट्रूथ नहीं कहते, उसको हम कहते हैं रिलीजन, उसको कहते हैं मजहब, उसको कहते हैं धर्म। वो सारा फेक ट्रूथ पे टिका हुआ है। तो अब धर्म या राष्ट्र, राष्ट्र को कौन पैदा करता है? राष्ट्र भी एक इमोशन है। इसको राष्ट्रगीत है, हमारा झंडा है ना, और हमारे हमारे नारे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नारा है, भारत माता की जय वगैरह, जो भी नारे हैं, तो ये सब अच्छे ही हैं। तो ये राष्ट्रवाद कैसे पैदा होता है? ये नारों से, झंडों से, और आपके राष्ट्रगान से, करेंसी नोट नोट से, जिसके ऊपर जो छपा हुआ होता है, इन सब चीजों से, और प्रतीकों से। प्रतीक, लोकसभा प्रतीक आ गया आपके सामने, पर्दे पे तिरंगा झंडा फहरा रहा है, अशोक चिन्ह है। तो राष्ट्र इन सब से बनता है, ये सब इमोशन की बातें हैं। तो इसलिए हम इमोशन से ही चलते रहेंगे भविष्य में भी, उसमें बड़ा परिवर्तन तो कोई आने वाला है नहीं, लेकिन हमें ये फिर भी बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम विवेक के रास्ते पर आएं, ठंडे दिमाग से सोचें, किसी बहाव में नहीं बहें, किसी व्यक्ति को महामानव या जो है हृदय सम्राट न माने, और यही माने कि सभी मनुष्य समान हैं और वो गलतियां भी करते हैं और अच्छाइयां भी है उनमें। तो ये भावना, ये मैच्योरिटी कहलाती है। ये तो ये बड़ी मुश्किल से आती है।
इमेच्योर अगर हम रहेंगे तो कोई भी जो तानाशाह है वो हमारे अंदर विक्टिम हुड की भावनाएं पैदा करेगा। विक्टिम हुड यानी हम अत्याचार के शिकार। ये हिटलर ने जर्मनी में की थी, मुसोलिनी ने इटली में की थी, ये आज भी कर रहे हैं इसराइल में जी, वो नेतन्याहू कर रहा है। ये विक्टिम हुड एक ऐसा तरीका है, देश के लोगों को बताया जाता है कि भाई आपके ऊपर बहुत अत्याचार हुए, शोषण हुए, आप अपना गुलाम रखा और मैं अब आपको बहुत शिखर पे ले जाने वाला हूं। ये जो है इस तो जनता को ये पहचानना चाहिए कि ये विक्टिम बनाना, हमको अत्याचार के शिकार बनाना, बिना बात पड़ोसी का आक्रमण हो गया और वो हो गया जबकि नहीं हुआ, तो या इंटरनल एनिमी है कोई, अंदर आपने कोई दुश्मन ढूंढ लिया और रात दिन उस दुश्मन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हो, यहाँ तक कि कोई बीमारी फैलती है तो वो भी दुश्मन ने फैलाई, है कि नहीं? वो हमारे सामने उदाहरण है कोरोना का। तो ऐसा दुश्मन ढूंढ के रात दिन उसके खिलाफ प्रचार करके, देश के सामने नए नए उसको संकट दिखा के कि भाई आपके सामने देखो सीमा पे ये खतरा है, अंदर ये खतरा है, उधर वो नक्सलवाद है, उधर वो ये है, और ये जो अंदर एक कोई दुश्मन भी है वगैरह, ये सारी बातें बता के जनता को डरा करके, नए नए संकट दिखा करके और नए नए शिगुफे छोड़ के कि, है ना, अभी देखा आपने कुछ दिनों में 3-4 शिगुफे तो अभी आ गए। तो ये शिगुफे हर दिन नया आ जाता है कुछ न कुछ। ये ऐसे शिगुफे छोड़ करके कोई भी तानाशाह लंबे समय तक शासन कर सकता है, और वो भारत जैसे अशिक्षित या कम शिक्षित देश में ही नहीं, अच्छे पढ़े अच्छे शिक्षित और विकसित देशों में भी ये चीज संभव है, जैसे कि जर्मनी में हुई, जैसे कि आजकल चीन में है, जैसे कि म्यांमार में हुआ, श्रीलंका में हुआ, और कई जगह हो रहा है, रूस में भी है, पुतिन ने जैसे यूक्रेन संकट खड़ा कर रखा है वगैरह वगैरह, बहुत सारे संकट। और पुतिन भी जार की महानता की बात करता है, जिस जार के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने विद्रोह करके और उसको हटाया था, उस जार युग की महानता तक पुतिन साहब रूस को दोबारा पहुंचाना चाहते हैं, यानी घूम के सर्कल वहीं आ गया जहाँ से शुरू हुआ था। तो ये जनता को इस तरह से अविवेक की तरफ ले जाना बहुत आसान काम है सत्ताधीशों के लिए। तो जनता को समझना चाहिए कि मीडिया तो जो है वो बेचारे अपना नौकरी करते हैं, पेट पालते हैं और थोड़ी चापलूसी खुशामदी करके, और वो अपना काम चला रहे हैं, कल को उनको निकाल दिया जाए मीडिया में से एंकर को, तो कहाँ कहाँ भटकता रहेगा वो। तो ये समझना चाहिए जनता को कि वो भी बेचारे गरीब लोग हैं, उनके भी पेट है, और वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, तो हम तो कम से कम विवेक से काम करें, ये जनता को समझना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि विवेक और मस्तिष्क को हैक करना तो मुश्किल काम है, लेकिन दिल को और भावनाओं को और जज्बात को हैक करना बहुत ही आसान काम है। तो ये तानाशाह ये करते हैं सब जगह कि वो दिलों को हैक करते हैं। और अब तो अब ऐसा है कि कुछ समय भी ऐसा आ गया है कि घर में बैठे हैं, पिताजी से बात हुए तो 15 दिन हो गए, होती नहीं बात, लेकिन अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए दोस्तों से रात दिन चैटिंग हो रही है, बातें हो रही है। तो इस ऐसे समय में व्यक्ति से व्यक्ति के अंदर चेतना जगाना और ज्यादा कठिन हो गया है। इन सब चीजों को देखते हुए हमको भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए सन्नद्ध हो जाना चाहिए और बहाव में नहीं बहना चाहिए, और किसी भी प्रकार के घृणा में नफरत जो फैलाई जा रही है अनावश्यक रूप से,
उन लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने बहुत त्याग तपस्या की है, प्राण दिए हैं देश की रक्षा के लिए। तो ये जनता को समझना चाहिए कि ये सब जो है कोई न कोई शासक हमसे करवा रहा है और हम कठपुतली बन चुके हैं। तो जनता को सोचना चाहिए कि कठपुतली न बने और ठंडे दिमाग से, विवेक से सोच समझ करके काम करें। ये इसका जी हाँ, मैं कह रहा था कि बहुत सुंदर रहा और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि अपने जो श्रोता हैं, जहां तक ये बात जाएगी, इस आशा के संग मैं बैठा हूं कि वो सब लोग भी आपके विचारों के साथ कहीं ना कहीं, चाहे वो दबे स्वर में हो चाहे खुल के हो, लेकिन सहमत तो होंगे ही। जिस तरह से आपने अपनी बात कही है, तो आज की वार्ता का अपन समय के अभाव की वजह से इसको विराम देते हैं। और मैं अपने प्रबुद्ध श्रोताओं से ये भी आग्रह करूंगा कि इसी सवाल पर, विवेकशीलता पर, हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा जल्दी ही, उसमें डॉक्टर मनु शर्मा जी आप सबसे रूबरू होंगे। डॉक्टर मनु शर्मा जी के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जनसौकार मंच से जुड़े तो हैं, लेकिन अपने आप में एक विचारक, एक प्रबुद्ध साहित्यकार, एक प्रबुद्ध हस्ताक्षर के रूप में वो स्थापित है। तो नेक्स्ट एपिसोड में डॉक्टर मनु शर्मा जी आपके साथ आएंगे, आपसे मिलेंगे और इसी सवाल पर अपनी बात कहेंगे। आज के लिए अगर साहब शुक्रिया बहुत बहुत, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। एक आग्रह है मेरा मंच का प्रतिनिधि होने के नाते, जन सरोकार मंच आप सबके द्वारा पसंद किया जा रहा है, आपकी रुचियां, आपके कमेंट्स हम तक आते हैं और हम उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, फिर भी आपसे एक आग्रह है कि आप जब अपने ये लाइव प्रोग्राम्स देखें और आपको पसंद आते भी हैं और आएंगे भी, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये भी एक आवश्यक स्थिति है यूट्यूब यूजर्स के लिए या यूट्यूब चैनल्स को आगे बढ़ाने के लिए, कि हमारे जो प्रबुद्ध श्रोता हैं वो उसको सब्सक्राइब कर अपना भागीदारी, अपने साझेदारी भी निभाएं। आप ऐसा करेंगे इसी आशा के साथ।